नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से दो दीवारों को आपस में जोड़ा जाता है 90 डिग्री पे, यानी किस प्रकार से कॉर्नर्स तैयार किए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक दीवार आपके सामने 4 इंच की एक सीधी दीवार बनी हुई है और वहीं से हमको एक 90 डिग्री पे एक दूसरी दीवार उसमें आके जोड़नी है। जो सीधी बनी हुई दीवार है उसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो साइड में आपको दो ईंटें अलग से उभरी हुई दिखाई देंगी। ये उभरी हुई ईंटें इसीलिए हैं ताकि दूसरी दीवार जब इस पे बने तो उसमें जाके वो फिक्स हो जाए और लॉक हो जाए। तो इस प्रकार से कोने तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, ये दीवार अभी स्टार्ट होना चालू हो गई है कि किस प्रकार से ये दीवार बनाई जाएगी। दीवार बनाने का वही एक तरीका जो कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि दीवार उसी तरीके से बनाई जाती है और ईंटों को फिक्स किया जाता है। तो ये ईंट को आधा किया है ताकि वो हाइट बराबर पड़ी है। और जहां पर जिस साइज का ईंट होता है, ये देखिए सधे हुए हाथ आपको उतने ही साइज का ईंटा करनी से काटते हैं, ईंट को काटते हैं और वहां पे फिक्स कर देते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के मेजरमेंट की इनको आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये इनका एक्सपीरियंस कहता है कि किस तरीके से आपको कहां पर किस साइज का ईंटा लगाया जाना है। यहाँ सीमेंट का मसाला गैप में भरा और उसके ऊपर फिर दूसरे ईंट का रो या लाइन उसमें डाली जाएगी। उसके बाजू में आप देख रहे होंगे जो ईंट जहां पे खत्म हो रही है वहां पे एक लोहे का एक पिलर, एक जाला जैसा है ये। हाँ, कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं या पिलर भी बोलते हैं इसको। ये बार बेंडिंग के अंतर्गत आप जानेंगे कि इस प्रकार लोहे का ये ढांचा कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन उसके नीचे आप देखिए सीमेंट से उसको, सीमेंट गिट्टी और रेत के मिक्सचर से उसको भर दिया गया है और वो सीधे आके आपकी इस दीवार के साथ वो दीवार में ये लोहे का कॉलम जो है फिक्स करेगा। यही कॉलम जो होता है आपकी दीवारों के का बेस कहलाता है। कॉलम और बीम जो होती है दीवारों का बेस कहलाती है। तो आपको ये एक के ऊपर एक ईंटे बैठते जा रही हैं। इस प्रकार से दो तीन ईंटों की रो तैयार हो गई है और साहुल के द्वारा उसकी नपाई दी गई कि दीवार की जो सीधी है या नहीं। हमने टूल्स के इंट्रोडक्शन के दौरान ही बता दिया था कि किस प्रकार से औजारों का उपयोग प्रैक्टिकल के समय किया जाता है। वो यही देखिए और साथ में देखिए वो धागे के द्वारा भी देखा जा रहा है कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली दीवार सीधी है या नहीं। साउल से हमने जो दीवार ऊपर की तरफ सीधी जा रही है कि नहीं वो देखा और अभी ये धागे के द्वारा वर्टिकली यानी कि ये दीवार टेढ़ी तो नहीं बन रही है वो देखेंगे, यानी 90 डिग्री पे वहां पे वो जोड़ना चाहिए। और दोनों ईंटों के बीच में इन्होंने सीमेंट और रेत का मसाला डाल दिया है। ये मसाले को अच्छी तरह भरना चाहिए, इनके बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि एयर गैप यदि होगा तो दीवार मजबूत नहीं होगी। इसलिए एयर गैप को भरने के लिए भी ये लोग करनी का उपयोग करते हैं। ये भरा, देखिए हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, सुरक्षा सावधानियों का विशेष ध्यान क्योंकि सीमेंट आपके स्किन के लिए नुकसानदायक होती है। और अब ये तीसरे रो की तैयारी शुरू। तीसरा रो इसके ऊपर एक दो और तीन, तीसरा नहीं, अब इसके ऊपर चौथा रो बनेगा। ईंटें फिर तैयार हैं वहां पहुंचने के लिए, वहां पे बिछाने के लिए। दोनों तरफ से दीवारों की फिनिशिंग देखी जाती है क्योंकि बीच में भरने के बाद साइड से और मसाला भरा जाता है। और इसके बाद फिर ये मसाला लेवल से भरा जाता है। किसी प्रकार के मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी इन व्यक्तियों के लिए जो कि
दिन रात यही काम कर रहे हैं, जिनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उनको किसी प्रकार के मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं है, वो केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दीवार को सीधी करते हैं। अभी देखिए दूसरा एक और ईटा आया और उसके ऊपर रो डालना शुरू। देखिए किनारे पे उन्होंने सीमेंट का मसाला पहले डाला और उसको वहां पे जो पहले से एक दीवार बनी हुई थी उसके ठीक 90 डिग्री पर उसको जाके सेट कर दिया। और आप देखेंगे जो ऊपर एक जो उभरा हुआ एक अलग से ईंट था वो ठीक उसके ऊपर आया हुआ है। इस प्रकार से ये दोनों दीवारें लॉक हो गई हैं। जहां जैसी जरूरत है वहां वैसे ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये चौथी रो तैयार और साहुल के द्वारा ये भी देख लिया गया कि अभी दीवार ऊपर की तरफ टेढ़ी ना जाए, टेढ़ी ना बढ़े हॉरिजेंटली। और इस प्रकार से कोना तैयार हो गया है। ये दीवार देखिए वो धागे से कैसे ईंटों को मिलाया और ये एक दीवार सीधी खड़ी हो गई। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरीकों से, दोनों ही तरीकों से चेक करना होता है कि दीवार सीधी बन रही है या नहीं। अब इसके बाद फिर सीमेंट का मसाला डाला, ये देखते जाइए बिल्कुल ये हर गैप में बराबर सीमेंट भरा जाता है। साइड से भी सीमेंट का मसाला उसमें रेत और सीमेंट का मसाला भरा जाता है। ये देखिए किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहना चाहिए। खास ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा सीमेंट साइड में गिरती है उसको वापस इस्तेमाल किया जाए। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि जो बचा हुआ सीमेंट है जो नीचे गिरता है उसका भी उपयोग किया जाता है। और अब इसके बाद सीमेंट की एक लेयर के बाद, सीमेंट और रेत की लेयर के बाद, फिर दूसरा एक और ईंट की लेयर बनाई जाएगी। ये देखिए ये फिर ईंटें रखी और देखिए वो जो उभरी हुई ईंट थी देखना वहां पे ऑटोमेटिकली जाके ये ईंटें वहां पे जाके देखना खत्म हो जाएंगी, ना सेट हो जाएंगी वहां जाके। और अगर नहीं होंगी तो फिर वहां पे उस ईंट को उसी साइज का काटा जाएगा। ये देखिए कन्नी हाथ में है और ये आधी टूटी वाली ईंट ले ली पहले ही से और वहां जाके उसको सेट कर दिया। ये देखिए लॉक हो गई। इस प्रकार से कोना तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक दीवार को दूसरी दीवार के साथ जोड़ा 90 डिग्री पे यानी कॉर्नर तैयार किया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए। साहुल के द्वारा और दीवारों की सिधाई भी देखी गई कि कितनी दीवार सीधी जा रही है यानी खड़े रूप में, और आड़े रूप में अगर आड़े दीवार भी देखे जाएंगे धागे के द्वारा कि वो कितनी सीधी है, और अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो ईंटों को उसके हिसाब से सेट कर दिया जाता है। और भी वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, कृपया इंतजार कीजिए। धन्यवाद।